सबसे पहले आज की बड़ी खबर बताएं कि योगी सरकार ने तैयार कर लिया है 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड और दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। 62 माफियाओं के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 812,47,89,000 रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। कुल 16,158 टॉप 10 अपराधी किए गए चिन्हित और 648 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। अपराधियों और माफियाओं से 844 करोड़ के बाद संपत्ति को जब्त किया गया है। इसके साथ 5,381 नए पदों को शासन ने मंजूरी दे दी है। 100 दिन के अंदर 5 नए हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के संबंध में AAI और सरकार के बीच में MOU साइन हुआ है। 1,74,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य का हुआ है भुगतान। 100 दिन के अंदर 10,000 पुलिस भर्ती के टारगेट को पूरा किया और महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और मुफ्त बस यात्रा की दी गई है बड़ी सौगात। इसके साथ ही युवा शासक को शक्ति को भी मजबूत किया गया है। स्मार्टफोन और टैबलेट का भी वितरण किया गया है। जो टारगेट रखा गया था 100 दिन का, उसको कैसे सरकार के तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो कैसे पूरा कर रहे हैं, इस पर भी पूरी तरह से रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। तो कौन कब करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी जल्दी से जान लेते हैं। 6 जुलाई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र सिंह चौधरी और JPS राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इसके साथ 7 जुलाई को डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और बेबी रानी मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कौन कौन कब कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री हैं, 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास मंत्री हैं, 8 जुलाई को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ धर्मपाल सैनी का नाम भी आ रहा है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वो भी 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और संजय निषाद उनका नाम भी आ रहा है जो 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा विभाग 9 जुलाई को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आशीष पटेल का नाम भी आ रहा है जो कि 9 जुलाई को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कौन कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड पेश करना है। 100 दिन का जो टारगेट रखा गया था, कितना काम हुआ है कितना नहीं, कितना विकास हुआ है कितना नहीं, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से मंत्रियों ने काम किया है, इसके बारे में भी जानकारी।